तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है व्यू। तो देखिए उसके कुछ सवाल लेकर आया हूँ, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कुछ सवाल जो थे वो क्लियर करा दिए थे, उसी को आगे ले चलते हुए आपके लिए क्वेश्चन है। तो मैंने कल क्वेश्चन 2 तक करा दिए थे और 3 क्या है, गुणनफल परिकलित करना है आपको। जो हमें गुणनफल दिए हैं वो हमें ज्ञात करना है। देखिए फर्स्ट आरपीयू क्या है, ए माइनस बी बी और ए। सेकेंड है ए बी बी माइनस बी और ए। तो देखिए हमें गुणनफल परिकलित करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या ए और ए को पकड़ेंगे तो ए हो जाएगा। देखिए ए और ए को पकड़ेंगे, ए और ए तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी और बी को पकड़ेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस बी और ए क्या हो जाएगा, माइनस बी और ए तो माइनस बी ए, माइनस बी ए और प्लस में हो जाएगा ए और बी, प्लस में हो जाएगा ए बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए और माइनस बी तो माइनस हो जाएगा माइनस ए बी, और बी और ए तो क्या हो जाएगा प्लस बी ए। ठीक है, यहाँ पे क्या माइनस बी और माइनस बी, माइनस बी और माइनस बी यानी कि प्लस का भी तो हो जाएगा बी स्क्वायर, और ए हो जाएगा प्लस ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर। देन यहाँ पे ए और ए कैंसिल, माइनस बी और प्लस ए बी, ठीक है, इसको ए भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं, इसको माइनस ए बी और प्लस बी ए तो ये कैंसिल हो गया। देन हमारे पास बचता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए हो जाएगा जीरो, यहाँ पे जीरो हो जाएगा और बचेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइनली ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप भी दिया है 1 2 3 एंड 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे 1 और 2 को पकड़ेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है, और 1 और 3 को 3, 1 और 4 को 4 एंड 2 2 को 2 इंटू 2 यानी कि 4 और 2 इंटू 3 6 और 2 इंटू 4 8 ए 3 इंटू 2 6 और ए 3 इंटू 3 यानी 9 और 3 इंटू 4 12। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्या है, थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे 1 इंटू 1 तो 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 यानी 2 टू 4 तो हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, 1 इंटू 2 यानी 2 और माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा प्लस माइनस का हो जाएगा 6। देन 1 इंटू 3 हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1 तो माइनस का 2। यहाँ पे 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 और 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 3 प्लस का हो जाएगा 6, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 और 2 इंटू 1 प्लस का हो जाएगा 2। देन यहाँ पे क्या होता है, 1 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 4 यानी कि हमारे पास बच जाएगा माइनस का 3। यहाँ पे 2 प्लस 6 आपको मालूम होगा 8 एंड यहाँ पे क्या होता है 2 प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस तो 2 माइनस 6 यानी कि माइनस का 4 और 4 प्लस 6 हो जाएगा 10। यहाँ पे 3 प्लस माइनस यानी कि माइनस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 और 6 प्लस 2 8। फाइनली ए इस क्वेश्चन का आंसर। देन बात करते हैं क्वेश्चन इसका जो पार्ट 4th है उसकी, तो बने रहिएगा वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 इसका फोर्थ पार्ट क्या है, आप भी हमारे पास दिया है 2 3 4 3 4 5 4 5 6 एंड अगला है 1 0 3 -3 2 0 5 4 5। तो देखिए यहाँ पे 2 और 1 तो हो जाएगा 2 और प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू माइनस 3 माइनस का 6 और 3 इंटू 2 प्लस का 6 और 4 इंटू 0 प्लस 0 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा और 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। यहाँ पे 3 इंटू 1
थ्री हो जाएगा और फोर इंटू जीरो प्लस का जीरो इंटू फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन हो जाएगा। थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस का नाइन, फोर इंटू टू प्लस का एट इंटू फाइव इंटू जीरो हो जाएगा जीरो। और यहाँ पे थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन हो जाएगा, फोर इंटू फोर सिक्सटीन हो जाएगा, फाइव इंटू फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव, फोर इंटू वन हो जाएगा फोर और फाइव इंटू जीरो हो जाएगा जीरो एंड सिक्स इंटू थ्री हो जाएगा एटीन। देन फोर इंटू माइनस थ्री हो जाएगा माइनस का ट्वेल्व एंड फाइव इंटू टू हो जाएगा टेन एंड सिक्स इंटू जीरो हो जाएगा जीरो। फोर इंटू फाइव हो जाएगा ट्वेंटी और फाइव इंटू फोर हो जाएगा ट्वेंटी और सिक्स इंटू फाइव हो जाएगा थर्टी। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे टू प्लस जीरो प्लस ट्वेल्व यानी कि हो जाएगा फोर्टीन और थ्री प्लस फिफ्टीन यानी कि एटीन और फोर प्लस एटीन ट्वेंटी टू एंड माइनस सिक्स प्लस सिक्स हो जाएगा जीरो और माइनस नाइन प्लस एट यानी कि माइनस का वन, माइनस ट्वेल्व प्लस टेन यानी कि माइनस टू और ये टेन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी क्या हो जाएगा फोर्टी टू, फिफ्टीन और सिक्सटीन थर्टी वन, थर्टी वन और ट्वेंटी फाइव हो जाएगा फिफ्टी सिक्स। ठीक है, यहाँ पे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्टी और फोर्टी और थर्टी हो जाएगा सेवेंटी। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। अगला फाइव पार्ट क्या है आप व्यू दिया है, इसका हमें गुणनफल परिकलित करना है। तो देखिए टू इंटू वन हो जाएगा टू इंटू वन टू और वन इंटू माइनस वन तो हो जाएगा माइनस का वन। ठीक है, टू इंटू जीरो हो जाएगा जीरो और वन इंटू टू प्लस का टू, टू इंटू वन टू और वन इंटू वन वन। यहाँ पर थ्री इंटू वन हो जाएगा थ्री और टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस वन तो माइनस का टू हो जाएगा। थ्री इंटू जीरो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और टू इंटू टू क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा। थ्री इंटू वन हो जाएगा थ्री और टू इंटू वन हो जाएगा टू। यहाँ पे माइनस वन और इंटू वन में हो जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा और वन इंटू माइनस वन माइनस वन, माइनस वन इंटू जीरो जीरो और वन इंटू टू प्लस का टू, माइनस वन इंटू वन हो जाएगा माइनस वन और वन इंटू वन प्लस का हो। देन इसको हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए टू माइनस वन क्या हो जाएगा वन और थ्री माइनस टू वन, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू, जीरो प्लस टू टू फोर टू। ठीक है, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, माइनस वन प्लस वन जीरो। अगला सिक्स पार्ट है आप व्यू दिया इसका गुणनफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे थ्री और टू को पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सिक्स और माइनस वन और वन माइनस वन हो जाएगा प्लस माइनस वन यानी कि माइनस वन हो जाएगा। थ्री इंटू थ्री प्लस नाइन हो जाएगा और यहाँ पे थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस का नाइन और माइनस वन इंटू जीरो माइनस जीरो और थ्री इंटू वन प्लस का थ्री, माइनस वन इंटू टू माइनस टू और जीरो इंटू वन प्लस का जीरो और टू इंटू थ्री प्लस का सिक्स, माइनस वन और माइनस थ्री, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है तो माइनस वन इंटू माइनस थ्री क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो प्लस का जीरो हो जाएगा और टू इंटू वन हो जाएगा टू। यहाँ पे देखिए सिक्स माइनस वन फाइव, फाइव प्लस नाइन कितने हो गए फाइव प्लस नाइन फोर्टीन, माइनस टू प्लस सिक्स क्या बचेगा फोर बचेगा, माइनस नाइन प्लस थ्री माइनस का सिक्स हो जाएगा, थ्री प्लस टू क्या होगा फाइव होगा। ठीक है, तो जो हमारा थ्री था इसका पार्ट जितने थे वो मैंने क्लियर करा दिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या है कि ए अभी दिया है वन फाइव वन टू जीरो माइनस वन एंड माइनस थ्री टू वन और बी है थ्री फोर टू माइनस वन टू जीरो टू फाइव थ्री एंड सी है फोर जीरो वन वन थ्री माइनस टू 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 थ्री। तो हमें पहले तो ज्ञात करना है ए प्लस बी, सेकेंड नंबर पर निकालना है बी माइनस सी, फिर हमें सत्यापित करना है यानी हमें दिखाना है कि ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी और ब्रैकेट में क्या ए प्लस बी और माइनस सी एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। तो देखिए पहले तो मैं निकाल लेता हूँ ए प्लस बी।
ए प्लस बी, ए हमारे पास क्या है 1 5 1, 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 1, और बी हमारे पास है प्लस, बी हमारे पास है 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 3। इसको क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 होगा और 1 प्लस 2 3 होगा, 2 प्लस और माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 क्या होगा 1, 0 प्लस 2 2 होगा, माइनस 1 प्लस 0 क्या होगा माइनस 1 बचेगा, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 और 2 प्लस 5 7 और 1 प्लस 3 4 होगा। ठीक है, मैंने a प्लस बी निकाल लिया, उसके बाद क्या कहता है बी माइनस सी निकालिए, बी माइनस सी निकालिए, तो देखिए बी क्या है 3 4 2 और माइनस 1 2 0 एंड 2 5 3, माइनस सी क्या दिया है 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 3, क्या करते हैं इसको घटा देते हैं, 3 माइनस 4 क्या बचेगा माइनस 1, 4 माइनस 0 क्या 4, 2 माइनस 1 1 बचेगा, माइनस 1 और माइनस 1 क्या होगा माइनस 2 होगा, माइनस 1 और माइनस 1 2 होगा, 2 माइनस 3 क्या बचेगा माइनस 1, 0 माइनस माइनस 2 यानी प्लस 2 होगा, 2 माइनस 2 0 होगा, 5 माइनस 2 3 होगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। मैंने b माइनस सी भी निकाल लिया, मैं दिखाना a प्लस बी माइनस सी, तो हम सबसे पहले इसको निकाल लेता हूं। ठीक है, तो a हमारे पास क्या है देखिए यहां पे a प्लस a हमारे पास है 1 5 1 और 2 0 माइनस 1 और माइनस में 3 2 1। ठीक है, प्लस b माइनस सी क्या कहते हैं b माइनस सी, और b माइनस सी हमने पहले ही निकाल लिया, तो -1 4 -1 4 1 और -2 -1 और 2 0 3 0। इसको क्या कहते हैं, हम जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो देखिए 1 प्लस -1 यानी -1, तो 1 माइनस 1 0 होगा, 5 प्लस 4 9 होगा, 1 प्लस 1 2 होगा। ठीक है, 2 प्लस -2 यानी 2 माइनस 2 क्या होगा 0 होगा, 0 प्लस -1 यानी -1 होगा, -1 प्लस 2 क्या होगा 1 होगा, -3 प्लस 0 क्या बचेगा -3, 2 प्लस 3 क्या 5 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा। ठीक है, क्या हमने निकाला a प्लस और ब्रैकेट में b माइनस सी, देन अब निकालेंगे a प्लस बी और फिर माइनस सी, तो अब क्या निकालेंगे, तो a प्लस बी मैंने पहले ही निकाल लिया, क्या निकाला 4 9 3 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 और -1 7 4 -1 7 4 क्या कहता है माइनस में सी निकालो, माइनस में सी, सी हमारे पास है 4 0 1 4 0 1 1 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2 2 3 2 2 3। अब इसको क्या कहते हैं घटा देते हैं, देखिए 4 माइनस 4 यानी कि 0, 9 माइनस 0 क्या होगा 9, 3 माइनस 1 2 बचेगा और 1 माइनस 1 0 होगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा -1 और -2 यानी कि -1 प्लस 2 क्या होगा 1 होगा, -1 -2 -3 और 7 माइनस 2 5 4 माइनस 3 1। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, तो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं, तो मैंने फाइनली पहले ही निकाल लिया a प्लस और b माइनस सी, क्या इतना निकाला है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या कहता है कि a प्लस बी और माइनस सी, तो वो मैंने निकाला इतना। अब देख लीजिए a एक दूसरे के इक्वल है या नहीं, तो देखिए 0 9 2 0 9 2 0 माइनस 1 1
तो ए बी निकला माइनस 351 माइनस 351, तो एक दूसरे के इक्वल है। तो यही ऐसे ही ये क्वेश्चन करना था। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर जो भी चैनल पर नया जुड़ा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना।